विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 5 अप्रैल बरोज़ जुमा को यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा जुमतुल विदा के मौके पर जामा मस्जिद अल नूर हाफिज बाबा नगर में कसीर तदाद में नमाज जुमा के लिए मुसल्लियान ने शिरकत की। मौलाना मोहम्मद एजाजुद्दीन सिद्दीकी साहब सदर जमीयतुल उलमा हल्के चंद्रायन गुट्टा ने खिताब किया और लोगों को रमज़ान की अहमियत और शब कदर की फजीलत बयान की और अवामुन्नास से गुजारिश की कि वो वक्त को ज़ाया ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें, तिलावतें और दुआएं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए ख़ास दुआओं का एहतमाम करें और अपने रूठे हुए रब को मनाएं और अपने मुल्क की तरक्की और अमन व आमान के लिए दुआ करें और ख़ुसूसी तौर पर गाज़ा व फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करने की भी इन्होंने गुजारिश की और लोगों को रमज़ान के मौके पर सदक़ा, ज़कात और दीगर नेक काम करने की भी इन्होंने बेहतरीन तलकीन दी। आइए देखते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मुजम्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल करम हुआ कि आज जुमतुल विदा के मौके पर जामा मस्जिद अल नूर हाफिज बाबा नगर में बड़ी कसीर तादाद नमाज अदा की है। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक का महीना हम सबको इबादत के लिए अता फरमाया है ताकि हमारे दिलों में तकवा हो और हमारे दिलों में परहेजगारी पैदा हो, अल्लाह का खौफ पैदा हो। अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ान के महीने को हमारे लिए तरबियत का महीना बनाया है। दर हकीकत रमज़ान का महीना ये क़ुरान का महीना है, रमज़ान का महीना नमाज़ों रोज़ों का महीना है, तिलावत क़ुरान का महीना है और बिलख़ुसूस तौबा इस्तग़फ़ार का महीना है और अल्लाह से मांगने का महीना है। क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त मुसलमान जहाँ कहीं भी है, जिस आलम में है, बखूबी वाकिफ़ है, तो इन हालात में मुसलमानों को अल्लाह की तरफ रुजू होने की ज़रूरत है। खुसूसन आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस है उसके लिए ख़ासकर दुआओं का अहतमाम करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व ताला से आफ़ियत को मांगना है, अल्लाह तबारक व ताला से इस मुल्क के अमन अमान को मांगना है, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की सालमियत को मांगना है, इस मुल्क में भाईचारगी को मांगना है, इस मुल्क की तरक्की को मांगना है। ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह की तरफ रुजू होते हुए और ख़ास कर जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदों तक जो मुस्तहिक है उन तक पहुँच कर इस रमज़ान के महीने में उनकी इमदाद की फ़िक्र करें। क्योंकि रमज़ान की ईद बिल्कुल करीब है, इससे पहले हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि जो ज़रूरतमंद है, मोहताज है, गुरबा मसाकीन है, उन तक अपनी ज़कात की रकम और सदका फितवा की रकम जो है उन तक पहुँचाए ताकि वो गरीब ही हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सके। और इसी तरीके से लैलतुल क़द्र करने परसों हफ्ते के दिन रात में, तो ख़ास कर जो है इसमें इबादतों का अहतमाम करें, अपने आप को मसाजिद से जोड़ कर रखें। मस्जिद के बाहर की दुनिया शैतान की दुनिया है, बाज़ारों में घूमने फिरने का माहौल ना बनाए। अल्लाह ने इस महीने को इबादत के लिए अता की दुनिया है, बाज़ारों में घूमने फिरने का माहौल ना बनाए। अल्लाह ने इस महीने को इबादत के लिए अता फरमाया है तो अपने औकात को ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में गुजारें, इबादतों के साथ, नमाज़ों के साथ, दुआओं के साथ और लैलतुल क़द्र की तलाश की कोशिश करें। 5 ताक रातों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उन 5 ताक रातों का अहतमाम करें, जिसमें से परसों जो है 4थी ताक रात है, तो इसमें खूब अहतमाम करें दुआओं का।
और बिलखसूस नौजवानों से गुजारिश है कि बाजारों में होटलों में इधर उधर फिरने के बजाय वो मस्जिद में पहुँच कर इबादत करे या घरों में इबादत करे और नमाजों का रोज़ों का अहतमाम करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमज़ान के तमाम बरकात को और उसके रहमतों से हम सब को मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। और बिलखसूस जुम्मतुल विदा के मौके पर मैं तमाम हजरात को जो है मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआओं की गुजारिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दुआओं को कबूल फरमाए और इस रमज़ान की सारी इबादतों को कबूल फरमाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है? तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहां पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासअप टैंक फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,